तो ये है जी, कुछ इस तरह का बनने वाला है भड़कल लेक या एंट्रेंस। यहाँ पे ज़रूर कोई फाउंटेन बनाया जाएगा। सामने आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ बनाई जा रही है, यहीं से एंट्रेंस होगी लोगों के लिए। और इधर यहाँ सामने ऊपर चढ़ के एक रिज़ॉर्ट है पहले का ही, तो ये बनने वाला है पूरा फिर से फरीदाबाद भड़कल लेक प्रोजेक्ट। और ये सामने देख सकते हैं यहाँ आने के वाली रोड भी जो है डबल लेन बना दी गई है, बढ़िया सी सीमेंटेड, ताकि यहाँ पे लाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। एकदम चौड़ी डबल लेन रोड बना दी गई है। ये पीछे है यहाँ से भड़कल लेक। तो ये देख सकते हैं आप, काम जोरों से चल रहा है, लगभग 80-90% काम पूरा हो चुका है। ये बाउंड्री वॉल बनाई गई है और इधर ये बनाई जा रही है पार्किंग, गाड़ियों और स्कूटर के लिए जो लोग यहाँ पे आएंगे उनके लिए बनाई जा रही है पार्किंग। लगभग आज से 30-35 साल पहले तक ये चलती थी, लेकिन इसे बंद कर दिया गया क्योंकि ये जो भड़कल लेक है वो सूख गई थी और यहीं पे पार्किंग हुआ करती थी पहले भी। तो एक बार फिर से जो है लगभग 35 साल बाद यहाँ की रौनक वापस देखने को मिलेगी। फरीदाबाद की शान भड़कल लेक, 80-90% काम पूरा हो गया है। देख सकते हैं सामने भी काम चल रहा है, ये सीढ़ियाँ उधर बनाई जा रही है, वहाँ से ऊपर चढ़ने का रास्ता होगा और एक पीछे भी था। तो जब ये चालू हो जाएगी तो फरीदाबाद वालों के लिए बहुत ही अच्छी एक घूमने की जगह, शाम को समय बिताने के लिए हो जाएगी, जो कि इसमें की बोटिंग वगैरह की फैसिलिटीज़ बोटिंग भी होएगी। तो फरीदाबाद वालों और दिल्ली NCR वालों मनाओ खुशी, क्योंकि बनने जा रही है आपकी ये भड़कल लेक। तो तैयार रहिए यहाँ पे आने के लिए।